मैं तुमसे आंटी की डेथ का अफसोस करने आई थी। अंकल की डेथ पे जब तुमसे मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे अचानक से एबटाबाद जाना पड़ गया। मैं कल ही वापस आई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे से ये सब कुछ होता रहा। अनाया ने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया इब्राहिम के बारे में, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम मुझसे जिक्र तो कर सकती थी ना। मैं क्या करती, अनाया ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था, और फिर तुम यहाँ पे थी भी नहीं। कुछ दिनों के लिए आई और फिर चली गई। मगर कुत्सिया, तुमने अनाया की बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा दी है। अब ना मुझे अनाया की सारी प्लानिंग समझ में आ रही है। अचानक से उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती, उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम दोनों का खाने में बाहर जाना, और इत्तेफाक से उसके बाबा का तुम्हारी वीडियो को देखना, और तो और उसके पापा की तुम्हारे लिए चाहत को भी उसने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात, आज तक अनाया ने जो कुछ भी तुम्हें इब्राहिम के बारे में कहा है ना, वो सब झूठ है, फरेब है, उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इब्राहिम की सच्चाई की गवाही ना मैं ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो फिर ये अमारा कौन है? अनाया ने मुझे अमारा से मिलवाया भी था। उसने कहा था कि इब्राहिम ने उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाकर। बस कर दो, ये सारी प्लानिंग ना अमारा की थी। इसने इब्राहिम को अपने जाल में फंसाने के लिए ना ये सब कुछ किया, और जब सच्चाई सबके सामने आई तो अमारा के ही बाप ने शर्मिंदगी से बचने के लिए ना उसकी यूनिवर्सिटी चेंज करवा दी, और तुम उसकी बातों में आ गई। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि तुमने उसकी झूठी कहानियों पर इतना यकीन कैसे कर लिया। ये सच है कि अनाया इब्राहिम को पागलों की तरह चाहती है, और हाँ, दोस्त होने के नाते मैंने उसको कई बार कहा कि तुम इब्राहिम से अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, इससे पहले कि वो किसी और को अपनी मोहब्बत समझ के उसका हाथ थाम के उसके साथ चल पड़े। मगर वो हर बार एक ही बात कहती रही कि इब्राहिम उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो उससे इब्राहिम को छीन लेगी। सच पूछो ना तो मुझे उसकी बातों से खौफ आता था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि वो मेरा सारा खौफ ना सच साबित हो गया। इसका मतलब है इब्राहिम सच में मुझसे? हाँ कुत्सिया, इब्राहिम ने जो जो तुम्हें कहा ना, उसका एक एक लफ्ज सच है। वो वाकई में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इब्राहिम ने ना इससे पहले किसी भी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं उसे बहुत पुराना जानती हूँ, और इसीलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इब्राहिम की मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची। लेकिन अब क्या होगा? इलियास भाई मेरी खालिद से शादी तय कर चुके, बहुत जल्द मेरा निकाह है, और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तो इसे अपनी गलतियों की सजा समझकर कबूल कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा कुत्सिया, मैं इब्राहिम से बात करूंगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं उसे यकीन दिलाऊंगी तुम्हारी सच्चाई की। मैं तुम्हें अनाया और तुम्हारी भाभी की गलतियों के बदले खालिद जैसे शख्स की कभी दुल्हन नहीं बनने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम सच कह रही हो?